बिहार चुनाव के परिणामों के बाद बीजेपी अपनी इस सफलता को आने वाले विधानसभा चुनाव में भुनाने की तैयारी में जुट गई है। यही वजह है कि श्रोमणी अकाली दल के एनडीए छोड़ने के बाद बीजेपी ने पंजाब के सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बीजेपी के महासचिव तरुण चुग ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में 117 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। चुग ने कहा है कि जमीनी स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट करके राज्य के 23,000 मतदान केंद्रों पर संगठनिक ढांचा मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 19 नवंबर को पार्टी के 10 जिला कार्यालयों का डिजिटल तरीके से उद्घाटन करेंगे और तैयारियों का जायजा लेने और पार्टी कार्यकर्ताओं में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जोश भरने के वास्ते राज्य के 3 दिन की यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की अगुवाई में पार्टी के नेता पंजाब में नरेंद्र मोदी सरकार की 160 लोक कल्याणकारी योजनाओं को लोकप्रिय बनाएंगे और राज्य में उन पर हुए काम से लोगों को अवगत करवाएंगे। आपको बता दें कि अकाली दल ने 3 नए कृषि कानून का विरोध करते हुए एनडीए से अपनी राह अलग कर ली थी। हरसिमरत कौर बादल ने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। पंजाब के राजनीतिक इतिहास पर अगर गौर करें तो अकाली दल के साथ बीजेपी का गठबंधन 1992 से शुरू हुआ। वर्षों से सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे के फॉर्मूले के अनुसार अकाली बड़े भाई की भूमिका में रहते थे। वे लगभग 94 सीटों पर और बीजेपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी। पंजाब के 13 लोकसभा सीटों से अकाली ने 10 निर्वाचन क्षेत्रों में और 3 पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटें जीतकर राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल किया और 10 साल बाद अकाली दल बीजेपी सरकार को बाहर कर दिया। अकाली दल बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी खराब प्रदर्शन किया और उन्होंने 2 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने पंजाब में 8 सीटें हासिल की थी। लेकिन अब बीजेपी ने खुद को पंजाब में मजबूत बनाने का इरादा कर लिया। अब उसके पास से अकाली दल की बैसाखी भी हट गई है तो बीजेपी ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।